दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें जल्द ही ट्रेन चलने वाली है और टिकट आपको काउंटर पर मिलेगा। यदि आप भी किसी राज्य में फंसे तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आपको बता दें चक्रवाती तूफान अम्फान ने हमारे देश में बहुत नुकसान किया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 1,12,000 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 45,300 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 3,435 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन 4 में दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 2 दिनों तक लगातार दफ्तर नहीं आने पर देना होगा जवाब। जी हां, कोरोना वायरस संकट के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है, वहीं 18 मई से लॉकडाउन पार्ट 4 का भी आगाज हो चुका है। इसके बावजूद देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं लॉकडाउन 4 में दिल्ली के सभी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं, साथ ही नए नियम कायदे भी तय कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि अगर लगातार 2 दिनों तक कोई दफ्तर नहीं आता है तो उसे लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा। कोविड-19 जांच में 1000 गुना हुई वृद्धि, अब तक 26 लाख से अधिक किए गए टेस्ट। जी हां, देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर तेज हो चुका है। इस खतरनाक वायरस से संक्रमितों और मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 से संक्रमित हर व्यक्ति की जाँच के लिए 20 से अधिक ऐसे नमूनों की जाँच की गई जो संक्रमित नहीं पाए गए। उसने कहा कि पिछले 2 महीने में हर दिन जाँच की संख्या में 1000 गुना वृद्धि हुई है। कांग्रेस पर पीएम केयर्स फंड की गलत जानकारी देने का आरोप, सोनिया पर FIR। देश इस वक्त कोरोना वायरस के महासंकट से जूझ रहा है और इस बीच कांग्रेस भाजपा में सियासी घमासान भी जारी है। इसी घमासान के बीच कर्नाटक के शिमोगा जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। पीएम मोदी ने राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि आज ही के दिन 21 मई 1991 को लोकसभा चुनाव से पूर्व तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही देर रात एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। जावड़ेकर कल 300 कम्युनिटी रेडियो से देश को संबोधित करेंगे। जी हां, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शुक्रवार को देश भर के लगभग 300 कम्युनिटी रेडियो के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में सूचना प्रसारण मंत्री जनता में कोविड-19 के प्रति जन जागरण और जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। पहली बार हो रहे इस कार्यक्रम को सूचना प्रसारण मंत्री शुक्रवार शाम 7 बजे संबोधित करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि मंत्री का संबोधन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगा। 14 से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं होगा आरोग्य सेतु ऐप। जी हां, केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन बहाल करने का फैसला किया है। देश में हवाई सेवा 2 महीने के बाद शुरू होगी। लॉकडाउन 4 में केंद्र की ओर से यह बड़ी राहत की खबर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घरेलू उड़ानें पुनः आरंभ करने के खातिर हवाई अड्डों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से SOP के अनुसार अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी नहीं होगा। पीयूष गोयल का पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना, कहा प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में कुछ राज्यों ने नहीं किया सहयोग। जी हां, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर निशाना साधा है। पीयूष गोयल ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने के लिए हमारे साथ सहयोग नहीं किया। मुझे लगता है कि लगभग 40 लाख लोग हैं जो पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक केवल 27 विशेष ट्रेन ही राज्य में प्रवेश कर सकी हैं।
मनीष सिसोदिया बोले अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे इसलिए मार्केट खोला गया। जी हां, पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। इस घातक वायरस को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि सरकार की इकोनॉमी हो या देश की इकोनॉमी हो, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब लोग मार्केट में हैं या ऑफिस में बैठे हैं, अब लोगों के पास पैसा आएगा तो पैसा सर्कुलेट होगा। हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे इसलिए मार्केट खोला गया है। बंगाल और उड़ीसा में अम्फान मचा रहा तबाही, 20 की मौत, करीब 6 लाख बेघर। जी हां, भारत और बांग्लादेश से टकराए शक्तिशाली तूफान अम्फान के कारण अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी के अनुसार बीते 2 दशकों में आने वाले ये सबसे शक्तिशाली तूफान है। हालांकि अब एक कमजोर हो गया है, बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान के कारण भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पड़ोसी बांग्लादेश में सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, हजारों घर नष्ट हुए हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन चक्रवात अम्फान का सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। बंगाल में चक्रवाती तूफान ने 2 जिलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहां 12 लोगों की मौत हो गई। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस पर गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। दिल्ली से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र पर चंद मिनटों के भीतर आदेश संशोधित कर राज्य को दिया गया नोटिस। जहां उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की अपील की सुनवाई के दौरान पहले तो उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज करने का मौखिक आदेश सुना दिया, लेकिन चंद मिनटों बाद ही फिर से सुनवाई करते हुए संशोधित आदेश के साथ राज्य सरकार को नोटिस जारी। आतंकवादी विरोधी दिवस पर जवानों को बड़ी सफलता, जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी किए गए गिरफ्तार। जी हां, कोरोना संकट के बीच भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये कामयाबी इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि ये आतंकवाद विरोधी दिवस के मौके पर लगी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों के हत्थे 3 आतंकवादी चढ़े हैं। शराब की दुकानों के बाद शुरू हुई पान मसाले की बिक्री, दुकानें खुलते ही लगी लंबी लंबी लाइनें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वो अपने अनुसार तय करें कि उनके प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए, जिसके बाद हर राज्य अपने अपने यहाँ की कोरोना स्थिति को देखते हुए नियम तय करने में जुट गए हैं। इस बीच गुजरात में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन का ऐलान के साथ ही आम लोगों को कई गतिविधियां में छूट प्रदान की गई है। सबसे खास बात यह है कि राज्य में अब रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का मसला खत्म कर सिर्फ 2 सेगमेंट कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन रखे गए हैं। जहां कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं है, वहीं नॉन कंटेनमेंट जोन में लोगों को बाकी राज्यों की तरह ही अहम हिस्सों में छूट है। राज्यों में जिलों के बीच चलने वाली सरकारी बस सेवाओं के साथ लोगों के लिए तंबाकू की दुकानों को भी खोल दिया गया है। इसके चलते सूरत में तंबाकू की दुकानों के बाहर लोगों की लाइनें दिखी। यह लंबी लंबी लाइनें शराब की दुकानों को बिक्री के लिए मिली छूट को याद दिलाती हैं।